अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आइडियाज़ और मैं हूं आपका होस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी सोचों को किस तरह काबू कर सकते हैं, अपने दिमाग पर अपनी सोचों को किस तरह काबू कर सकते हैं। हाउ टू गेट अ ग्रिप ऑन योर माइंड। इसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास, तीन तरह के हैं। इसमें मेथड्स डिफाइन करेंगे जिससे हम अपनी सोचों को काबू कर सकते हैं, अपने दिमाग को काबू कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास, सबसे पहले सिंपली लर्न हाउ टू थिंक, सोचना सीखें। और यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू थिंक इज़ अ बिग क्वेश्चन। बेसिकली सोचना आना क्या वजह है कि बंदा पिछली सोचों में स्टक होता है। एडवर्ड डी बोनो इसके लिए एक सजेशन राइटर है हमारे पास, गूगल करें आप इसे और इसकी एक बुक पढ़ लें कोई भी, जिसमें से कुछ फेमस बुक्स हमने नीचे मेंशन की हैं। पहली है सिक्स थिंग्स हैड्स थिंकिंग हैड्स, सीरियस क्रिएटिविटी, द सिक्स वैल्यू मेडल्स। अच्छा, इन बुक से आपको वो नॉलेज मिलेगा जिससे आप सोचना सीख सकते हैं, कैसे सीखा जाए। सेकंड मेथड है हमारे पास कि सोच तभी काबू हो सकती है जब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एम हो, अदरवाइज़ आप नहीं काबू कर सकते इसे। और उस बड़े एम के नीचे, उसकी छतरी के नीचे सारे के सारे ख्वाब जो हैं वो आपके पकना शुरू हो जाएं। जैसे एक ट्री, अगर आप बीज अच्छा लगाएंगे तो वो आपका फल ठीक देगा, वो अच्छा डेस्टिनी तक पहुंचेगा। एक फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं आपके अंदर है ये। थर्ड मेथड है आपके पास, जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि थॉट्स उसी वक्त मैनेज हो सकती हैं जब आप अपनी लाइफ के मुतल्लिक सीरियस हों, कॉन्शियस हों। तो हर चीज़ के मुतल्लिक आप क्या होंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। अब कॉन्शियस कैसे हुआ जाए, सबसे पहले लालच को छोड़ें। कहते हैं जो बंदा लालच लेकर बैठ जाता है अपने अंदर, वो कभी सोचों को नहीं पकड़ सकता। और सोच को पकड़ने का मतलब यह है कि अपने अंदर की लेबॉरेटरी को समझना कि आप क्या कर सकते हैं। तो बड़ी दुनिया अपनी सोच को तो संभाल नहीं सकती, वो अपने फ्यूचर को क्या संभालेगी। इसलिए सबसे पहले सोचना सीखें। और इसके तीन मेथड्स हैं वही कि सबसे पहले सीखें कैसे सोचना है, उसके बाद एक एम देखें अपना लाइफ का, और उसके बाद अपनी सोच को कॉन्शियस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।